हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव मित्रों तो आज हम लोग बात करेंगे दो जनवरी के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम संवत दो मास चल रहा है पौष का तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है बुधवार का दिन है नक्षत्र है विशाखा योग है शूल और करण है कौलव तो ये तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात मेष राशि की मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने खर्चों पर अपने व्यय पर नियंत्रण करना होगा मौज मस्ती में आज जरूरत से ज्यादा खर्च हो ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है और इस दौरान इन्वेस्टमेंट से निवेश से आपको बचना चाहिए वृषभ राशि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर से बाहर आज कहीं आपको रुकना पड़ सकता है जिसे विदेश प्रवास कहते हैं शा, शास्त्रीय भाषा में ऐसी स्थिति दिखाई देती है और जिसके व्यापारिक लाभ भी आपको प्राप्त हों आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कनक धारा स्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा यात्रा करने से आपको बचना चाहिए <coughs> मिथुन राशि <coughs> व्यापार में वृद्धि और पारिवारिक सौहार्द हेतु किया गया परिश्रम जो है वो सार्थक रहने वाला है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान महादेव की पूजा आराधना करें ओम नमः शिवाय मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करें और धन का व्यय करने से बचना चाहिए कर्क राशि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए समय अनुकूल है विदेश से अच्छा समाचार इस दौरान आप प्राप्त कर सकेंगे आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हरे रंग का रूमाल अपने साथ रखें साथ ही साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करें वाणी पर नियंत्रण आप किसी स्थिति में न खोए सिंह राशि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के जिद्दी स्वभाव से आज आ, संतान के भविष्य की चिंता आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को सरसों का तेल लगा करके एक टुकड़ा गुड़ के साथ रोटी खिलाइए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करिए बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल भी ना दुखाएं कन्या राशि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अचानक आर्थिक लाभ का योग बने ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें तुला राशि तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रयास करने से आप अपना रुका हुआ धन पुनः प्राप्त कर सकते हैं धनदा यंत्र की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगी धनदा स्त्रोत का पाठ भी किया जा सकता है किसी भी स्थिति में आप धैर्य न खोइए वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक दिशा में किए जा रहे प्रयास आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें धनुराशि धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद आज कुछ हो सकते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा किसी को रुपए पैसे उधार देना आज आपके लिए बहुत ही नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है क्योंकि आज के दिनचर्या का योग ऐसा है कि वो पैसा आपको फिर पुनः वापस मिलना नहीं है मकर राशि धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करें और क्रोध करने से आप बचें कुंभ राशि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा व्यापारिक चिंताएं दूर होंगी पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा डालना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा भाई बंधु के साथ आज आप वाद विवाद न करें मीन राशि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य का तनाव और दबाव आज बहुत अधिक रहने वाला है व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है तो इन सभी कष्टों से बचने के लिए मछलियों को मिश्री युक्त उबले चावल खिलाने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा तनाव अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारह राशि की हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की जिसमें मैं आपको बताऊंगा अनहोनी से अगर आप बचना चाहते हैं तो रात के समय गलती से भी यानी भूले से भी ये छः काम आपको नहीं करने चाहिए तो कौन कौन से हैं वो छः बहुत ही महत्वपूर्ण काम आइए समझ लेते हैं शास्त्रों के अनुसार हर कार्य को करने का अपना एक निश्चित समय है दिन में जहाँ सभी आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं वहीं रात में कुछ कार्यों का करना स्पष्ट रूप से मना किया गया है इनमें संभोग भी शामिल है यानी स्त्री प्रसंग भी फिजिकल रिलेशन भी शाम, आ, शामिल है तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें रात में करने से वो दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है खुले बाल सोना रात में महिलाओं को लड़कियों को खुले बालों को रख करके सोना नहीं चाहिए माना जाता है कि रात में खुले बाल सोने पर नकारात्मक शक्तियां इससे आकर्षित होती हैं इसलिए रात को न केवल महिलाएं वरन चोटी रखने वाले पुरुष भी अपनी चोटी को बांध करके सोएं या ये पुराना नियम है कि बांध लेते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा फायदा मिलता है किसी भी तरीके की अनहोनी से आप बच जाते हैं चौराहों पर नहीं जाना चाहिए चौराहे अर्थात जिस जगह चार सड़क आपस में मिलती हो वहाँ भी रात के समय जाने को मना किया जाता है शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर बहुत सारे टोने टोट के तथा तांत्रिक जो भी अभिकर्म है गंदे काम हैं वो सब भी किए जाते हैं जिसके प्रभाव स्वरूप वहाँ पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है रात में ये प्रभाव और भी बढ़ जाता है इसलिए देर रात को चौराहे पर जाना नकारात्मक ऊर्जा भूत को आमंत्रण देने जैसा ही होता है तो इसलिए नहीं जाना चाहिए शमशान या कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि रात के समय भूल करके भी शमशान या उसके आसपास नहीं जाना चाहिए शमशान या कब्रिस्तान में रात के समय वहां मृत आत्माएं कई बार चैतन्य हो जाती हैं जागृत हो जाती हैं यही नहीं मृत व्यक्तियों के संबंधियों द्वारा अंतिम संस्कार करते समय रोते बिलखने से भी रोने बिलखने से भी इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है जो रात के समय आसानी से किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकती है यही कारण है कि रात के समय में शमशान जाते समय तांत्रिक भी अपनी सुरक्षा विशेष रूप से करते हैं सेंट लगा करके आपको सोना नहीं चाहिए कुछ लोग रात को सोते समय इत्र या सेंट परफ्यूम लगा करके सोते हैं शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरीके की तेज खुशबू जो है वो पारलौकिक शक्तियों को आकर्षित करती है इसलिए रात को सोने से पहले हाथ पांव तथा चेहरा धो करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए इससे रात को बुरे स्वप्न जो आते हैं बुरे प्रभाव जो होते हैं वो भी नहीं आते नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं रात को किसी पराई स्त्री पुरुष से मिलना नहीं चाहिए रात के समय स्त्रियों को किसी पराय पुरुष से तथा पुरुषों को किसी पराई, पराई स्त्री से एकांत में नहीं मिलना चाहिए बुरी संगति दुर्व्यसन तथा शराबियों से भी जो दुर्व्यसन वाली आदत से पीड़ित हो या बुरी संगत जिनकी हो या शराबी व्यक्ति जो हो उनसे भी रात को दूर रहना चाहिए ऐसा नहीं करने पर आपको न केवल नुकसान हो सकता है वरन बदनामी का दाग भी आपके चरित्र पर आपके नाम पर लग सकता है आधी रात के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए शास्त्रों के अनुसार रात 12 बजे के बाद अगला दिन आरंभ होता है आ, ये अंग्रेजी तरीका है आ, ब्रह्म वेला से ठीक पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है हमारे यहाँ जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उस दौरान कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए ऐसे समय पर व्यक्ति की मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं इसलिए मध्य रात्रि के एक पहर के बाद मुहूर्त आरंभ हो जाता है तो इस दौरान जो है आपको फिजिकल रिलेशन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया कि मुहूर्त में उठिए पूजा पाठ करिए तो उस दौरान फिजिकल रिलेशन वगैरह के लिए कहीं शास्त्रों में कोई रेफरेंस कोई वर्णन नहीं मिलता है तो इस तरीके के कृत्य जो है आपको आधी रात के बाद नहीं करने चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ऐसे समय में व्यक्तियों को अध्ययन मनन भगवान का पूजा पाठ ध्यान जैसे कार्य करने चाहिए कोई नई योजना प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है ये बहुत उपयुक्त समय होता है जिस समय आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो इस दौरान आप बहुत आपके जो थॉट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं आ, इस समय को भूल करके भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अथवा प्रयोग में नहीं लेना चाहिए अन्यथा इससे पुरुषत्व की हानि होती है साथ ही साथ व्यक्ति का बुरा समय आरंभ हो जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए सर्वोत्तम समय जो है ब्रह्म मुहूर्त के पहर से पहले का जो समय है यानी दो बजे से तीन बजे से पहले पहले का जो समय होता है वो समय होता है अगर आप दो तीन बजे के बाद का समय चुनते हैं इसके लिए तो ये शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही गलत आ, माना जाता है तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपके जीवन में आ, कई प्रकार की समस्याएं आने से पहले ही उनको आप टाल सकेंगे उनको आप दूर कर पाएंगे तो मित्रों आशा करता हूं कि ये आवश्यक उपाय और जानकारियां जो आपको मैंने दी ये निश्चित ही आपको पसंद आती होंगी आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आईकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद मित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फ़ोन के माध्यम से ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारा नंबर है ट्रिपल नाइन जीरो सेवन टू फोर वन थ्री वन आपको दो नंबर दे रहा हूँ इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है आप व्हाट्सएप करें नाइन एट वन एट थ्री डबल जीरो वन फोर सिक्स ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें ई करना चाहते हैं तो आप हमें ई कर सकते हैं हमारी ई मेल नोट कर लीजिए एस एच ए आर एम ए डॉट वैभवा वी ए आई बी एच ए वी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें ई मेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में ई मेल और व्हाट्सअप करना सबसे बेहतर तरीका है धन्यवाद